हे गाइस शोहार एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे आप सभी? तो आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ और ये देखो दोस्तों, इंदौर से मिलने आए हैं मेरे से लोग। तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं जूडियो और कहाँ मरीन ड्राइव घूमने जा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ तो गाड़ी नहीं है तो अपन ऑटो से जाएंगे। तो फिर चलिए आप लोग को दिखाते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। तो गाइज हम लोग यहाँ पैदल पैदल चल रहे हैं रायपुर की सड़कों में। कैसा लग रहा है मैम आपको मुझसे? बहुत अच्छा, बहुत दिनों बाद। तो फिर यहाँ हम लोग पैदल जा रहे हैं, फिर वहाँ पर जूडियो, पहले हम लोग जूडियो जाएंगे फिर उसके बाद कहीं जाएंगे। चलो। सो गाइज मैं मरीन ड्राइव पहुँच चुकी हूँ और जो मेरा फ्रेंड है वो, मैं लेट हो रही थी तो वो कहीं और चला गया, तो फिर वो आ रहा है, फिर हम जैसे आएगा आपसे मिलवाएंगे। और ये बस सवरु बस उतरे, तो मोटी हो गई हो इंदौर में रहते? नहीं बोलो, हाँ मैं हूँ हूँ पहले बोलो। पतली हो गई हो तुम, मोटी हो गई हो इंदौर में रह गई गाइज। तो गाइज यहाँ रोनाल्ड आ गया है। हाय गाइज, जय श्री, जय श्री। हाँ कुछ बोलो भाई। मैं क्या बोलूँ, कुछ बोलना है क्या? हाँ, व्हाट डू यू वांट मी टू से? आई वॉन्ट यू टू मुझे मोमोज खिलाओ। मुझे मोमोज खाना है तो यहाँ पे सिक्किम जोजो का बेस्ट मोमोज है, इसे ट्राई कीजिए। मीट माई सिस्टर तितली। हेलो, फिर जय शु। व्हाट इज योर नेम? हेलेन। हेलेन केस। कहाँ से हो? यही रायपुर से। जय शु। जय शु। आपका नाम? आकाश इमैनुअल दिग्गा। आप कहाँ से हो? यार आकाश आकांक्षा का भाई है क्या? कहाँ गया था आज तू, कहाँ भटक रहा था? आज मेरे को बहुत ख़राब सपना आया था तो मैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर जाने का प्लान बनाया था। तो हम लोग बांगोली डैम गए थे। बांगोली डैम सुनिए? तो मेरे को क्यों नहीं पूछा? मैं सोचा देखो कॉल करूँ, लेकिन तेरा स्कूल रहता ना। स्कूल नहीं, कॉलेज है। कॉलेज रहता है। हाँ वो स्कूल के बराबर ही है, कॉलेज पढ़ाना रहता है, तो इसलिए मैंने पूछा। फिर हम गए निकले, कहाँ गए थे? बांगोली डैम में। तो वहाँ पर हम लोग को एक ओपन जिम मिला, उसका अगर क्लिप सही है तो मैं तुमको फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ श्योर। फिर आगे हम लोग वापस वर्कआउट वर्कआउट किया, थोड़ा थोड़ा बहुत वर्कआउट किया हमने, और जो वर्कआउट करने का वो था उसको तोड़ दिए। वर्कआउट के इक्विपमेंट्स वहाँ के जो लोकल गांव वालों ने बनाया थे उसको हमने तोड़ दिया। आत्माओं ने बनाया था। इसके हाथ में निशान होगा वो लाल। वहाँ पे हमी मोंजोली का भी थी, शी वाज द स्पेक्टेटर। वो देख रहे थे कि ये साले शहर से आए फॉर्म सही है, फॉर्म सही। और अच्छे सो गाइस ये वही फेमस लोग हैं जो गरीब जी के साथ गाना गा के डाल रहे थे। सिंगर ही हो ना? नहीं मैं सिंगर नहीं हूँ। हो गाइस सिंगर हो। गाइस ये वही महान हस्ती है जो कि मेरे फ्रेंड हैं। तो अगर आप लोग इनसे कुछ चाहते हो, कोई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट देना चाहते हो, गाना मतलब चाहते हो, तो मेरे से ज़रूर कॉन्टेक्ट कर देना। ठीक है, जोहार बोल दो भाई। जोहार, जय जोहार संगवारी भाई। थोड़ा एक दो लाइन बोल देना। क्या बोलूँ, मैं कुछ ज़्यादा बड़ा आर्टिस्ट हूँ नहीं, मैं तो ऐसे ही टाइम पास सिंगर हूँ। लेकिन मेरे को गाने बहुत अच्छे खासे आते हैं जो हमारे फोक से रिलेटेड है, उड़ाव कल्चर से रिलेटेड है। तो अगर आपको सीखने का मन है तो बिल्कुल मेरे को DM कीजिए, मैं आपको सिखाने की। गाइस मेरे सब्सक्राइबर लोग के लिए एक छू गाना गाने रहेंगे। चलो सॉन्ग ऑन डिमांड है गाइस, अच्छे से गाना। सोचना पड़ेगा यार, कुछ भी गा दो, अच्छा गाते हो यार। कुछ भी गा दो, इतना सडन बोलने से याद ही नहीं आता। वो जो गाए थे उसी को गा दो। कौन सा वाला? वो पहला वीडियो था ना जो गरीब में था, सरियन गाड़ी पर वाला। हां रेल गाड़ी पर। मैंने दूसरा गाना गाऊं क्या जो पूरा नहीं डाला था गरीब में? हां ठीक है। ऐसे ही होता है कैमरा सामने आने पे, है ना? बिल्कुल। जल्दी गाओ। रुकने का अच्छा लगा ना, मेरे को याद ऐसे कर दो, ऐसे हो रहा है। फिर से चुप होना वैसे ही। अबे ऐसे करना, चुप कैसे करना अबे। सो गाइस भूले भटके लोग यहाँ मिल गए हैं इधर। हाय, मुंडी को ऊपर करो, ऐसे हरकत करते हैं। सर्दी लग रहा है क्या? स्वेटर पहन के घूम रहे हो? निकल यहाँ से थोड़ा दूर, पता चल जाएगा। ठंड लग रहा था मेरे को, पानी गिर रहा है तो नहीं लग रहा। टाइम नहीं है।
मेरे से तो कोई ऐसे मिल ही नहीं रहा है। क्यों जलती हो क्या? हाँ मैं बहुत जल रहा था क्या? नहीं ये सब मुंशी के रुमाल है जो मेरे ब्लॉग की बहुत जानी पहचानी क्या है हस्ती है जो कि मुझे क्या बना के खिला रही हूँ। तुम बैठो ना मैं तुमको खिलाती हूँ। नहीं बताओ ना। चिकन बना रही हूँ मैं, पापड़ तल रही हूँ और मैं तुमको खिला रही हूँ। ब्लश क्यों कर रही हो यार? कुछ सुना है क्यों? खुश हो बताओ। तितली आई है। तितली आई है हमारी जिंदगी में पहली बार की तितली आई है। ये क्या है? गाइस वैसे गुंजी बहुत अच्छा खाना बनाती है। यस शादी कर लो मुझसे। शादी कर लो इससे। डीएम फॉर रिश्ता। कोई ना कोई तो पसंद कर ही लेगा यार। हिम्मत नहीं आना चाहिए। अब बोलो लाइन बोलो कोई वाली जिसको हम पसंद नहीं वाला वो कुछ है ना। अब नहीं बोलेंगे। क्यों? थोड़ी देर बाद बोलेंगे। ठीक है। हाँ जी ये तुम हो। हाँ ये अरे मेरा हाथ। हाँ देखो ये तो बहुत गंदा करी तुम मेरे साथ। ऐसे करोगी बुंची? यस यू डोंट लव मी। चाहती हूँ कि मैं तुमको कचर दूँ। बैठो ना बैठो पानी पी दूँ। इतना मत करो बे। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। गिरा दी पूरे प्याज को। अरे तुम्हारे दहेज में प्याज दूंगी। थैंक यू। तुम अपने ससुराल में भी प्याज काट के रोते रहना। देखो क्या बोली अपने ससुराल में प्याज काट के रोते रहना। ठीक है एकमात्र सजा तुमको दिया जाएगा। ठीक है यार उनको बोलो ना महंगा जूता पहन के आएंगे। किसको? भैया को। क्या पहन के आएंगे? महंगा जूता। क्यों? अभी तो शादी में महंगा जूता चलाने नहीं दूंगी। ठीक है सुन लेंगे तुम्हारे भैया ब्लॉग में। महंगा जूता पहन के आना है शादी में। हाय रूपल मैं तुमसे हाय हाय हो चुकी हूँ पहले ही। हाय रूपल तो फिर आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। गुड नाइट। बोलो गुड नाइट। कि तुम अपना खाना बनाती हुई दिखाना चाहती हो? यस आप सब देखो। नहीं मैं नहीं चाहती ना कि मुझसे ज़्यादा तुम्हें तो पसंद करें। तो फिर क्लास में भी बैठे बैठे मैं एकदम चुनते रहती हूँ पता है। हाँ आँख सेम दिख रहा है। अभी पापड़ क्यों? बाय गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मिर्ची भी तलूंगी।